हमारे मेडिकल सेक्टर पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। अब हम स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए हैं, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे। धर्मेंद्र पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो, आपके मंत्रालय के कारण की वजह से आज एनडीए धांधली कर रही है। फेल हो चुकी है हर क्षेत्र में, ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरके ठाकरे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अच्छे दिन, अच्छे दिन। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों और बहनों, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है। 2024 से हर इलेक्शन कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा बोले गए ये वो सो कॉल्ड डायलॉग थे जिन्होंने देश में नई सरकार बनाई, और जनता को भी ये लगा कि ये इंसान देश में और कुछ नए बदलाव लेके आएगा। क्योंकि अच्छी बात भी है, क्योंकि देश में किसी एक ही पार्टी का अधिपत्य होना भी हानिकारक होता है। पर आज के पॉलिटिशियन भूखे बैठे हुए हैं, इस फिराक में रहते हैं कि हमारा टर्न आने दो, फिर देखते हैं इन लोगों। आज डेमोक्रेसी से ऊपर भी और कुछ चीज हो गई है, वो है करप्शन और स्कैम, जिसका जीता जाता उदाहरण है नीट स्कैम, यूजीसी नेट कैंसिल, और जो कुछ क्षेत्र में हुआ है जहाँ देश के टॉप पर इंजीनियर और डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही करप्ट कर दिया। आज पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 65% पॉपुलेशन यंगस्टर की है, जो देश के भविष्य है, देश को नई राह पे लेके जाएंगे, और आज उन्हीं की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि भारत में सबसे पहला पेपर लीकर साल 1997 में हुआ था, उत्तर प्रदेश लखनऊ में आईटी जूनियर इंजीनियरिंग का पेपर लीक हुआ था। पर इतना में चर्चाओं में नहीं रहा था, क्योंकि ना तो सोशल मीडिया था और टेलीविजन और न्यूज़पेपर एकमात्र साधन थे, वो भी कम ही लोग यूज करते थे। उसके बाद देश का बहुचर्चित मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला, जिसमें कई पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन शामिल थे। 2014 के बाद से पेपर लीक होना जैसे भारत के कल्चर का हिस्सा हो गया है, वो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और आज देश का सबसे बड़ा एजुकेशन स्कैम हुआ है नीट स्कैम। देश संकट में है। दोस्तों हमें पता है कि हमारी वीडियो काफी लेट आती है, पर आप यकीन मानिए बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ये वीडियो बनाए जाते हैं। प्लीज हमारे वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए। 9 फरवरी 2024 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट के फॉर्म ऑल ओवर इंडिया में भरे गए थे, जिसके एग्जाम 5 मई को हुई थी। शेड्यूल के हिसाब से रिजल्ट को तो 14 जून को डिक्लेयर होना था, पर पता नहीं किस बात की इतनी जल्दबाजी थी कि 10 दिन पहले ही 4 जून को डिक्लेयर कर दिया। उस दिन जिस दिन लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे, जहां हर साल 2, 3 या 4 टॉपर्स देखने को मिलते थे, बाद इस साल 67 टॉपर्स देखे गए। सच इलेक्शन की आड़ में स्टूडेंट की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी, पर जनाब ये सोशल मीडिया का दौर है, हवा की भी तेज गति से खबर एक जगह दूसरी जगह पहुंच जाती है। फॉर्म भरने की तारीख से ही नीट काफी विवादों में थी, जहाँ किसी एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए 1 महीना सफिशियंट होता है, वही नीट का फॉर्म भरने के लिए 4 बार इसकी तारीख को आगे बढ़ाया गया और अप्रैल तक पहुंचाया गया। एग्जाम डेट के पहले ही खबर आने लगी थी कि नीट का पेपर लीक हो चुका है, इसके बावजूद भी एनटीए ने इसे नजरअंदाज किया। कैसे एक ही साल में 67 टॉपर्स देखे गए, जिन्हें 720 में से 720 नंबर दिए गए, और इन 67 टॉपर्स में से 2 स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर दिए गए, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है। नीट यूजी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल क्वेश्चन 200, हर क्वेश्चन के 4 नंबर दिए जाते हैं, तो टोटल नंबर होते हैं 800। इन 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है, नंबर बनते हैं 720। हर सही जवाब देने पे 4 नंबर एड होते हैं, वही हर गलत जवाब देने पे 4 नंबर तो जाते जाते साथ में 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का भी जाता है।
तो मैथमेटिकली देखा जाए तो 720 में से या तो 716 नंबर आना चाहिए या फिर 715। यहाँ पे ग्रेस मार्क्स का भी काफी बड़ा खेल हुआ है। जिन स्टूडेंट का पेपर 10 मिनट लेट हुआ था उन्हें 40 नंबर ग्रेस मार्क्स के नाम पे दे दिए गए। ये सोच के दिया गया कि हर स्टूडेंट एक मिनट में एक सही जवाब दे देगा। महाराष्ट्र के एक सेंटर में तो एक घंटा लेट पेपर स्टार्ट हुआ था, मतलब 60 मिनट 240 नंबर ऐसे देते गए मानो कोई नेता अपने भाषण में जुमले बांट रहा है। मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। अगर किसी स्टूडेंट का पेपर लेट स्टार्ट हुआ है तो आप उसे उतना मिनट आगे दे दीजिए। ग्रेस मार्क्स देके आप दूसरे स्टूडेंट के साथ अनफेयरली कर सकते हैं। इस 67 स्टूडेंट की लिस्ट में 6 स्टूडेंट को तो हरियाणा के सेंटर से पाया गया। अगर आप ये लिस्ट गौर से देख रहे होंगे इसमें स्टूडेंट के रोल नंबर, नाम और सरनेम मेंशन किए हुए हैं, लेकिन इन 6 लोगों के तो सरनेम तक नहीं मेंशन किए गए। क्या मजाक चल रहा है। जब देश भर के 24 लाख नीट के स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई थी तब जाके एनटीए हरकत में आया। इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट आर्थिक अपराध इकाई पटना बिहार ने अनुराग यादव नाम के नीट यूजी के स्टूडेंट को पकड़ा है, जिसने ये कबूल किया है कि मेरे अंकल सिकंदर यादव को नीट का पेपर मिल गया था और मेरे अलावा 3 लोगों की इसकी तैयारी करवाई गई। गुजरात गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल ने 16 लोगों से 10,000 रुपए ये कह के लिए कि आपको उस पेपर की तैयारी करवाई जाएगी जो नेक्स्ट डे नीट यूजी में आने वाला है। वो पेपर आया भी भाई। अभी जो केस है वो सीबीआई के हाथों चला गया है और सिकंदर यादव के अलावा देश के 7 राज्यों में से 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इस रैकेट में शामिल थे। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना नवंबर 2017 में बीजेपी सरकार के द्वारा की गई थी, जो कि अपने आप को ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी कहती है। एनटीए देश की टॉप इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीमेंट, जीपेट और दूसरे एग्जाम लेती है। जब एनटीए की स्थापना की गई थी तब ये आश्वासन दिया गया था कि देश में होने वाली हर एग्जाम को फेयर तरीके से लिया जाएगा और हर प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन जब से एनटीए की स्थापना हुई तब से इसकी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी देखी है। इतने पेपर लीक हुए कि आप लोग गिनते गिनते थक जाओगे। 2017 कॉन्स्टेबल पेपर लीक, 2018 यूपीपीसीएल यूपीएसएससी पेपर लीक, 2019 पटवारी पेपर लीक, 2020 जूनियर इंजीनियरिंग पेपर लीक, 2021 यूपी टीचर एलिजिबिलिटी पेपर लीक, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर पेपर लीक, 2022 वेस्ट बंगाल का डीएल एजुकेशन पेपर लीक, 2024 यूपी रेवेन्यू ऑफिसर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर पेपर लीक, यूपी लेखपाल पेपर लीक, यूपी कॉन्स्टेबल क्वालिफाइड पेपर लीक, यूपी पीएससी पेपर लीक, बिहार पीएससी पेपर लीक, तेलंगाना एसएससी पेपर लीक, एसएससी सीजीएल पेपर लीक और अभी नीट रिजल्ट स्कैम। यूजीसी नेट 18 जून को उसका पेपर हुआ था लेकिन 19 जून को ये बोलकर कैंसिल कर दिया कि इसका भी पेपर लीक हो चुका है। नीट पीजी इसके एग्जाम डेट को आगे बढ़े थे क्योंकि खुद पर ही भरोसा नहीं रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 23 जून 2024 को एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, इसके 3 सेट के 20 क्वेश्चन की गलत आंसर शीट जारी कर दी। जब इसके लिए विरोध हुआ तब जाके इसकी आंसर शीट को हटाया गया। अभी आप तो स्क्रीन पर जो रैली देख रहे हो मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर स्टूडेंट की रैली है, जिन्होंने गैर पारंपरिक महाविद्यालय और एग्रीकल्चर सिलेबस की अनियमितता के कारण रैली निकाल दी। अब एक स्टूडेंट अपने हाथ में किताब पकड़े या फिर इस तरह के पोस्टर पकड़े, एक स्टूडेंट घर पे बैठकर तैयारी करे या फिर इस प्रकार की रैली निकाले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम बदल के उसको नॉन ट्रस्ट, नॉन टाफी और नॉन ट्रांसपेरेंसी एजेंसी रख देना चाहिए। एनटीए की स्थापना करके सरकार ने अपना पल्ला जान लिया, कुछ भी होगा तो उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल रहेगा क्योंकि ये तो अपने आप को ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट बॉडी कहती है। और एनटीए भी कोई खुद एग्जाम नहीं देती है, टेंडर पास करके एजेंसी को हायर किया जाता है और यही एजेंसी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर फैकल्टी तक अरेंज करते हैं और जब पेपर हो जाता है तो आंसर शीट को एनटीए के हवाले कर दिया जाता है। मतलब यह सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है और ट्रांसपेरेंसी नाम की तो यहाँ कोई चीज ही नहीं बची है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यह खुद एक्सेप्ट किया कि यहाँ कुछ गड़बड़ियां सामने आएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है। क्योंकि एक स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो वो अपने आप को 3 से 4 साल झोंकता है। एक स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो वो अपने जीवन बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है और उसके साथ सेक्रीफाइस करते हैं उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, जो इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि हाँ अब इसकी नैया पार लगेगी। रीस्टार्ट बोलना तो बहुत आसान है लेकिन पहाड़ जैसे सिलेबस को रीस्टार्ट करना जिसपे गुजरती है वही जानता है। एक स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करने में 1 से 1.5 साल लगाता है पर इन लोगों से एक एग्जाम जीत से नहीं लिया जाता। इतने सालों में ना जाने कितने ही स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। अजीत डोभाल, जयशंकर और राजीव गाबा जैसे आईएएस आईपीएस के टाइम पे अगर पेपर लीक होता तो क्या ऐसे ब्यूरोक्रेट्स कभी भारत को मिलते। डेक्कन हेराल्ड के अकॉर्डिंग इन 10 सालों में ये मेजर पेपर की लिस्ट है जो लीक हो चुके हैं और पिछले 7 सालों में तो 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए ने ली थी।
देश के 24 लाख स्टूडेंट ने जब इसके लिए आवाज उठाई तब जाके इनकी हरकत में आए। स्टूडेंट बस यही चाहते हैं कि या तो रिनिट की जाए या फिर इन चीज को बैन किया जाए। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि जो ग्रेस वांग से है उनको इनवैलिड किया जाए। एनटीए जो सिर्फ टॉपर्स की लिस्ट डिक्लेयर करता है उन सभी की लिस्ट डिक्लेयर कर रहे जिन्होंने एग्जाम दी थी। 6 जुलाई से जो काउंसलिंग हुई है उसे बरकरार रखा जाए। और रही बात रीनेट की तो ये देखा जाएगा कि जो पेपर लीक हुआ है वो उसका ड्यूरेशन क्या है। 12 घंटे जो उससे भी ज्यादा हुआ होगा तो चांसेस है कि नीट वापस से हो सकती है। फिलहाल जो अभी काउंसलिंग है उसको कंटिन्यू रखा जाए और अगर 0.01% भी कहीं गलत लगा तो ये काउंसलिंग भी कैंसिल की जा सकती है। शायद ये वीडियो अपलोड होने तक इसका जजमेंट भी आ जाए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही था। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिसकी हमें बहुत जरूरत है। तब तक मैं आखिर ठाकरे आपसे विदा देता हूँ। अपने घर के आस पास सफाई का बेहद ध्यान रखिए बिकॉज इफ इंडिविजुअल्स डेवलप देन सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली डेवलप। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।